हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि ये पेयर था जिसके साथ चार बच्चे निकले हुए थे, आज इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आज से पहले शायद आपने ऐसी वीडियो ना देखी हो। तो ये कम्प्लीट वीडियो देखिएगा। एक्चुअली जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा वो अगर आप मैं दिखाऊँ तो ये दो बच्चे नीचे निकले हुए हैं और इनके पैरों से मुतल्लिक है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इशू आ जाता है बर्ड्स में, और फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए तो आज इस पर हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो देखें, ये जो मसला है ये कोई इनका पैदाइशी मसला नहीं। अगर आप इस पर फोकस करें तो इनके जो हैं वो पर नोचे के हैं, बाकी पर देखें इनके प्रॉपर आए हैं, लेकिन इनके शोल्डर के ऊपर से पर जो हैं वो नोच लिए हैं। और ये नोचे किसने हैं? वो इन दो में से कोई एक हो सकता है, या तो मेल ने या फीमेल ने, क्योंकि जो बच्चे हैं वो खुद पर नोच नहीं सकते अपने। तो अब हमें कैसे पता चले कि इनमें से कौन है, मेल है या फीमेल है जो पर नोचता है? तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि जब बच्चे आपको देखें, नज़र आ रहा हो कि शोर कर रहे हैं मटकी के अंदर, आप आके देखें कि उस वक्त पहला तो ये कि मटकी के अंदर कौन है, मेल है या फीमेल है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा, इनके मुंह पे देखें, ब्लड आपको नज़र आ जाएगा बिल्कुल लाइट लाइट सा। कुछ के बहुत ही ज़्यादा होता है जो बहुत ही ज़्यादा प्लकिंग करते हैं, जो ये बीमारी है, बीमारी कह सकते हैं आदत, इसे प्लकिंग कहा जाता है। तो कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा प्लकिंग करते हैं तो उनका डायरेक्ट क्लियर नज़र आ जाता है, कुछ जो है वो बिल्कुल लाइट लाइट प्लकिंग करते हैं। जैसे ये है, इनके बिल्कुल लाइट प्लकिंग हुई है शोल्डर के ऊपर से, नहीं तो ऐसे भी होता है कि जो पूरे के पूरे अपने बच्चों को गंजा कर देते हैं। तो अब हमें कैसे पता चले कि इनमें से कौन है? तो अब देखें, इनके मुंह पे हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ नज़र आएगा। अब आपको मेल तो सामने क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन फीमेल मटकी के अंदर है, तो आपको इतना ज़्यादा डिफरेंट करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से कौन सा है। तो मैं आपको पकड़ के दिखा देता हूँ, क्लियर आपको ज़्यादा तो क्लियर नज़र ना आए, लेकिन आइडिया हो जाएगा आपको थोड़ा बहुत कि आप इसमें से कौन है जो प्लकिंग कर रहे हैं। तो अभी चलें, मैं आपको ये पकड़ के दिखाता हूँ मेल, और फिर फीमेल भी पकड़ के दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि इनमें से कौन सा प्लकिंग कर रहा है। तो व्यूवर्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त मेल मेरे हाथ में है। तो अब अगर आप इसको नज़र आए, आपके बिल्कुल इसके मुँह के साइड पर आपको देखिए रेड रेड नज़र आ रहा होगा। अगर इसको काटने दें, मैं आपको ये दिखाएँ, अगर आप देखें तो इसके साइड पे आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हल्का हल्का ब्लड ब्लड नज़र आ रहा होगा। तो जब ये प्लकिंग करता है, प्लकिंग के बाद ये ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। अभी इस वक्त फ़िलहाल इसने प्लकिंग नहीं की, तो पुराना जो रंग है वो थोड़ा जो है मिट गया इसका। तो इससे मुझे आइडिया हो गया है कि ये जो है ये तो कन्फर्म प्लकिंग कर रहा है, क्योंकि आप इसको ये देखें यहाँ पर, अब ये चेक काटने दें से तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसके दोनों तरफ मुँह के इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ आपको क्लियर ब्लड नज़र आ रहा होगा। तो ये मेल तो कंफर्म हो गया है कि ये प्लकिंग कर रहा है, और इसकी चोंच के ऊपर देखें यहाँ पर भी आपको ब्लड लगा हुआ नज़र आएगा। तो इससे मुझे आइडिया हो गया है कि कंफर्म कि ये तो मेल है, ये प्लकिंग कर रहा है। अब फीमेल की बारी है, तो चलें फीमेल को पकड़ते हैं। तो व्यूवर्स, अब देखें, जैसा कि फ़ीमेल मेरे हाथ में इस वक्त, ठीक है, लेकिन फ़ीमेल का देखें आपको बिल्कुल मुँह क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस तरफ से भी इसका क्लियर मुँह है और इस तरफ से भी आपको बिल्कुल क्लियर मुँह नज़र आ रहा होगा इसका। तो ये देखें, इससे मुझे आइडिया हो गया है कि ये फ़ीमेल जो है ये बिल्कुल ओके है और ये प्लकिंग नहीं कर रही। तो अब मुझे इनको प्लकिंग से रोकना कैसे, क्योंकि बच्चे जो हैं इस वक्त अभी तक फीड पे हैं दो बच्चे, और दो जो नीचे हैं वो उन्हें भी मेल फीड करवा रहा है लेकिन साथ साथ प्लकिंग भी कर रहा है। तो अब मैं बच्चे तो भूखे नहीं मार सकता, तो मुझे अब क्या करना होगा, इन्हें किसी तरीके से प्लकिंग से रोकना होगा। तो उसके लिए जो बेस्ट आइडिया, एक जैसी तरीका आप कह सकते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा, आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, और फिर उसके बाद हमने इन पेयर्स का क्या करना है जो ये सब कर रहे हैं, तो उन सब का भी मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन करूंगा बाद में। अभी जो हमारा इशू है वो ये है कि इनको प्लकिंग से कैसे रोकें। तो ये फ़ीमेल जो है ये बिल्कुल ओके है, अगर आपको क्लियर नज़र आ रही हो तो फ़ीमेल को अब मैं वापस छोड़ दूँगा ताकि ये भी अंदर जाए, और क्योंकि परेशान हो रही है बाहर, तो ठीक है इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये जैसा कि आपको क्लियर हो गया है कि इसमें जो फीमेल है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन जो मेल है देखने में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन इसको जो ये बुरी आदत है प्लकिंग की, उसकी वजह से मैं ज़्यादा जो है अच्छा महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी आदत है। तो फिलहाल अभी मैं इनको प्लकिंग से रोकना है मुझे, क्योंकि ये देखें आपको ये मटकी मैंने नीचे उतारी है, ये एक और पट्टा बिल्कुल तैयार है। इसकी भी अगर आप हालत देखें और ये पीछे वाली की भी देखें, तो आपको इनको शोल्डर के ऊपर बाल नज़र नहीं आएंगे।
तो अब इनके लिए मैं एक देसी जो आप कह सकते हैं टोटका है वो लगाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे जो जो प्रोग्रेस होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करता जाऊंगा। तो क्योंकि मटकी मैंने नीचे उतारी हुई है, फीमेल भी जो है वो थोड़ी परेशान हो गई है, तो अब वो अंदर आने की कोशिश कर रही है और हो सकता है वो ऊपर से डायरेक्ट जंप करके अंदर आ जाए। तो चलें अब एक एक करके बच्चा पकड़ते हैं और उनके ऊपर वो टोटका लगाते हैं, और फिर आप भी देखिएगा अगर वो टोटका कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह ये फिर जो मेडिसिन है ये आपके लिए भी अवेलेबल होगी। तो चलें ठीक है, अब एक एक बच्चा पकड़ता हूँ और उस पर वो मेडिसिन अप्लाई करता हूँ। तो जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक वाइट लिक्विड सा है पड़ा हुआ, ये छोटा सा पैकेट है, इस पैकेट के अंदर ये लिक्विड है। तो अब ये लिक्विड जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा ताकि जो मेल है ये वाइट लिक्विड जो है वो उसकी वजह से अब मेल जो है इनकी ज़्यादा प्लकिंग नहीं करेगा। तो अब ये लिक्विड जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा हो तो ये लिक्विड, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसका मुँह खोला है, ये आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। ये देखेंगे ये एक ड्रॉप, तो खैर इससे जो है इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी परों की, और दूसरा ये कि ये देखें ये मैंने लिक्विड जो है जेल टाइप सी इसके ऊपर अप्लाई कर दी है इस वक्त, और अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मसल दूंगा ताकि इसका असर जो है इसकी बॉडी पे फैल जाए और फिर जो मेल है वो अपनी आदों से थोड़ा बाहर आ जाए। ये सारा लिक्विड इस वक्त इसकी बॉडी के ऊपर मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें ये इस तरीके से मैंने इसकी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर दिया है, और अब जो है वो मेल जो है वो इसकी मज़ीद प्लकिंग नहीं करेगा। तो ये था एक देसी टोटका जो आपसे मैंने इस वक्त शेयर किया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी बर्ड्स को भी लगा दूंगा, तो जब मेल अब नेक्स्ट टाइम इनकी प्लकिंग करना है के लिए आएगा तो उसे इसका थोड़ा सा मज़ा चखने को मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से वो फिर जो है अपनी आदतों से ही बाज आ जाएगा। तो खैर अब ये इसके ऊपर अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है। अब ये बच्चा क्योंकि काफ़ी परेशान हो रहा है और मैं इसको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर मैंने सारा जो है वो लगा दिया है, और ये बच्चा जो है अब इंशाल्लाह मटकी में वापस जाएगा और फिर मेल जो है इसकी मज़ीद प्लकिंग नहीं करेगा। तो ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा ब्लड के जहाँ जहाँ से उसने पर नोचे हैं, तो ये इसके ऊपर बच्चे के ऊपर सारे लगे हुए हैं। और अब चलो भाई हो गया हो गया, बस बस हो गया हो गया। तो अब बच्चा जो है वो थोड़ा सुकून में है, शायद इसको ये दवाई थोड़ी सी लग रही हो, लेकिन अब जो है इससे इसके पर जो हैं वो मज़ीद ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉइंट थे जहाँ पर वो कर रहा था। अगर ये पूरा इसके ख़राब करता तो मैं इसके पूरी बॉडी पे अप्लाई कर रहा था, ये एक दफ़ा जो है काम है इसका, एक दफ़ा लगा देंगे और इनके मतलब मटकी से बाहर आने तक आपका सिर्फ दो दफ़ा का ये कोर्स है, और इंशाल्लाह फिर जो है आप देखिएगा कि जो ये ऐसे बच्चे आ रहे हैं उन पर ज़रूर आपको जो है ना असर नज़र आएगा इन सब चीज़ों का। तो अब इस तरीके से ये सारा मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, अब ये बिल्कुल ओके है। चलो भाई तो अब ये फीमेल भी जो है इसको देखें बुलाने के लिए आई हुई है कि तुम बाहर किधर घूम रहे हो, चलो बाहर नहीं घूम रहा मैंने लिया था, चलो चलो जाओ मटकी के अंदर। चलो इस तरीके से ये एक हो गया। तो व्यूवर्स ये है अब दूसरा वाला, अब जो सबसे छोटा है इसके भी आप देखें शोल्डर पे पर नहीं होंगे गर्दन के पीछे, तो अब इसके ऊपर भी मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। ये लो चलो भाई तुझे भी दवाई लग रही है। चलें व्यूअर्स ये इसको भी लग रही है दवाई, अब ये भी जो है वो उछलना कूदना शुरू हो गया। तो खैर ये दवाई इनके फ़ायदे के लिए होगी थोड़ा बहुत इन्हें जो है, लेकिन ये कि इससे
ان کا فیوچر جو ہے وہ سیف رہ جائے گا. فیوچر میں جو ان کی حالت ہونی ہے تو اس سے یہ بچے رہیں گے, کیونکہ پہلے یہ چار تھے تو اب پیچھے دو ہیں. تو میل پہلے چار کی پلکنگ کر رہا تھا, اب وہ کم ہو کے جب دو پہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس نے ان کی پلکنگ کیا کرنی تھی, زیادہ کرنی تھی. تو اب یہ جو ہے ان کے اوپر میں نے آہستہ آہستہ یہ اپلائی کر دیا ہے, تو یہ جو ہے اب فیوچر کی جو پلکنگ ہے اس سے جو ہے وہ سیف ہی رہیں گے. یہ تھوڑا سا بچہ بے تاب ہو رہا ہے, لیکن اب اسے برداشت تو کرنا پڑے گا, کیونکہ اے ہوئے گندے. یہ آپ کے لیے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میڈیسن کا, آپ کے اگر باڈی پہ لگ بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ان کی سکن کو جو ہے وہ صرف سیف رکھتا ہے, اور دوسرا یہ کہ بیکٹیریا سے بھی بچاتا ہے. تو اب جو ہے یہ بھی بالکل سیف اینڈ سیکیور ہے. چلو بھائی چلو چلو, اب میل جو ہے وہ آپ کی پلکنگ نہیں کرے گا. پاپا پا اس کے پیچھے بھی اپلائی کر دیتے ہیں, کیونکہ نیو پر نکل رہے ہیں یہاں پہ, اور ہو سکتا ہے میل یہاں سے پھر کھینچنا شروع کر دیں. تو ہم یہاں پر بھی اس کو اپلائی کر دیں گے, تھوڑی سی اور نکال لیتے ہیں. تو یہ ادھر آ گئی ہے, اب اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی تھوڑی اس کو اپلائی کر دیتے ہیں. بھائی کدھر بھاگ گیا ہے؟ تو یہ دیکھیں اب یہ اس کے اوپر پوری لگ گئی ہے, اور اب یہ جو ہے وہ اپنے گھر میں جانے کے لیے بالکل تیار ہے. کدھر بھاگ رہے کدھر ہیں؟ تو اب یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس کو بھی اب میں نے جو ہے اپلائی کر دی ہے دوائی, اور اب یہ بھی جو ہے وہ مٹکی کے اندر جانے کے لیے تیار ہے. صبر 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 و صبر. چلو اب یہ بھی گیا مٹکی کے اندر, ادھر باہر اندر اندر. چلو یہیں سے اندر چلے گا. تو ویور اس طرح میں نے جو ہے وہ دو کو میڈیسن لگا دی ہے, اور انشاءاللہ جو باقی دو ہیں انہیں بھی اسی طریقے سے میں میڈیسن لگا دوں گا, تو میل جو ہے وہ انشاءاللہ ان کی مزید جو ہے وہ پلکنگ نہیں کر سکے گا, کیونکہ جب یہ پلکنگ کرنے کے لیے آئے گا تو اسے اس میڈیسن کا ٹیسٹ لینا پڑے گا, اور وہ مزید پلکنگ نہیں کرے گا. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میل یا فیمیل جو بھی ایسا کر رہی ہے, آپ شروع میں اس کے اوپر ہی اپلائی کر دیں, تو انشاءاللہ جو چکس ہیں وہ شروع سے ہی سیف اینڈ سیکیور رہیں گی. اور اب یہ دیکھیں یہ فیمیل دیکھ کے آ گئی ہے کہ یہ کیا تھا. اب میل جو ہے وہ جائے گا پلکنگ کرنے, تو اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیا تھا. تو ٹھیک ہے, اسی طریقے سے میں دو کے اوپر اور مزید اپلائی کر دوں گا, اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے ان کی پروگرس ہوگی وہ آپ سے ضرور شیئر کرتا رہوں گا. اب مٹکی لگا دیتا ہوں کیونکہ فیمیل کافی دیر سے باہر ہے, تو اب یہ مٹکی جو ہے وہ ادھر لگا دیتا ہوں. چلیں یہ تو ہو گئے جو مٹکی کے اندر تھے, اب جو ہیں وہ مٹکی کے باہر ہیں, ان کے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو ان کو بھی میں پکڑ کے لے آتا ہوں. یہ ہیں اب جو مٹکی کے باہر ہیں, ان کے خیر ابھی پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں, سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو ان کا نکلیں گے پر, کیونکہ اب یہ باہر ہیں تو پھر بھی لیکن احتیاط کے طور پہ لگا لینا جو ہے وہ زیادہ بیٹر رہے گا, کہ میل جو ہے اس کو کوئی چانس نہ ملے کہ وہ اور پلکنگ کر سکے. تو اب میں جو ہے اس کے اوپر بھی اپلائی کر دیتا ہوں. یہ تقریباً 5 گرام کے قریب یہ میڈیسن تھی, تو اب جو ہے وہ دو کے اوپر میں نے لگا دی ہے, کیونکہ میں خود یہ فرسٹ ٹائم یوز کروا رہا ہوں. تو اس کے بعد جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ آپ سے ضرور شیئر کروں گا. چلو بھائی تم بھی لگا لو, یہ لیں. چلیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں نے ہلکی ہلکی لائٹ لائٹ سے اپلائی کر ہی دی ہے. تو خیر ابھی آپ کو تھوڑا برا لگ رہا ہوگا اس کے پر گیلے ہو گئے, لیکن یہ کہ اس کے پر اب انشاءاللہ جلد اس سے نکل کے آ جائیں گے. یہ پراپر پوری ٹریٹمنٹ ہے ونگز کی, ان کے پروں کی, فیڈر کی. تو اب لگا دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اچھا رزلٹ آئے گا. تو اب خیر اسے بھی لگ گئی ہے, اور اب یہ بھی جو ہے واپس مٹکی کے اندر جانے کے لیے تیار ہے. اب اس کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا سائز ہے, میل کے کلر پہ گیا ہے, لیکن اس کی یہ جو حالت ہے یہ زیادہ اچھی نہیں تھی. تو اب اس کو بھی میں اندر چھوڑ دیتا ہوں. چلو بھائی جاؤ تم بھی, اب پیچھے رہ گیا ایک, اب اس کو بھی پکڑنا ہے, اور اس کو بھی جو ہے ہم میڈیسن لگا دیتے ہیں. خیر ہاتھ صاف کر لیتا ہوں تاکہ آنکھوں پہ اس کے نہ لگے. تو چلو تو یہ دیکھیں اب یہ فیمیل کے اوپر ہے پورا, اور اس کے بھی دیکھیں شولڈر سے پر غائب ہے. تو اب اس کو بھی لگا دیتا ہوں. بھاگو گے کہاں تک؟ خیر ان کو
भागना कहाँ है, आराम से अप्लाई कर देते हैं इनको दवाई। वो छोटे थे ज़्यादा, वो उछल कूद कर रहे थे, ये बड़े हैं ये इतना ज़्यादा उछल कूद नहीं करते। मटकी से तो बाहर हैं, घूम फिर रहे हैं, तीसरा चौथा दिन है। और ये अब इसको भी मैंने दवाई डाल दी है इधर, और अब इसको भी जो है वो मैं थोड़ी सी शोल्डर की इसकी मालिश कर ही देता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, इसको भी अब जो है वो मेडिसिन लग गई है। थोड़ी सी और इसकी शोल्डर के ऊपर इधर भी लगानी पड़ेगी। तो व्यूअर्स ये हो गया अब लास्ट वाला भी। अब ये सब जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर हैं इस वक्त। तो न्यूज़ व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन गई है। शायद ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी इतनी बड़ी, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें आपको मैंने प्लगिंग से मुतालिक जो इशू था उसका बताया कि कैसे डिटेक्ट करें, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। तो इस वक्त थोड़े अजीब अजीब लग रहे होंगे, कोई इनके देखें हेयर स्टाइल देखें क्या जा रहे हैं, कोई आइंस्टाइन बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, लेकिन खैर ये अब जो है इनके पर जिनके नहीं थे वो भी अच्छे निकल के आ जाएंगे, और जिनके पर अभी स्मेल है ऊपर वाले ने ख़राब करने से ज़्यादा वो भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि स्मेल को इस वक्त मैं कोई छोड़ कर नहीं सकता था, क्योंकि जो दो बच्चे अंदर हैं वो फीड करवा रहा था इन्हें, फीडिंग इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन इसको ये जो प्लकिंग की आदत पड़ गई है, ये अगर ना इस पर कंट्रोल किया जाए तो ये वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर ये बच्चों को पूरा पूरा गंजा करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये आदत होती है तो ये आदत जो है छुड़वाना मुश्किल होता है। खैर अब इन तरीक़ों से जो है इसकी आदत जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। तो अब ये देखेंगे, अब ये मेडिसिन उतारने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये पीछे वाला भी जो है ये मेडिसिन उतारने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से मैं उसे उतारूँ। तो एक दफ़ा अप्लाई कर दें तो उसका असर जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये पूरा एक तकरीबन कोर्स होता है, 2 से 3 बार जो है बच्चे निकलने के, जब उनके हल्के हल्के भूर आना शुरू हो जाती है उसके से लेकर मटकी से बाहर आने तक। अब सिर्फ ये 2-3 कोर्स करवाएं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फिर भी कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।